बफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी, बेबफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी। नींद तुझको आएगी ना, नींद तुझको आएगी ना, नींद तुझको आएगी ना, बेबफा तू मेरी बफा को याद। क्या नाम है बाबू? शिवाराम। माइक में बोलो, माइक में। शिवाराज। शिवाराज, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? खैरा जिला। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? टेन। टेंथ में पढ़ते हो। उम्र अभी तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र 15 साल। 15 साल हो गया है। तो ये दर्द वाला गाना कहाँ गाते हो? क्योंकि मुझे पसंद है। अच्छा, दर्द तुमको पसंद है। अच्छा, दर्द के अलावा और कोई गाना गाते हो बाबू? भोजपुरी। भोजपुरी में कौन गाना गाते हो? भोजपुरी पवन जी का। पवन जी का गाते हो? और कौन? खेसारी जी का। खेसारी जी का। और कल्लू जी का। कल्लू जी का। और प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी का। और रितेश पांडे जी का। रितेश पांडे। सबसे अच्छा तुमको कौन गाना किस गायक का गाना लगता है? सबसे अच्छा लगता है खेसारी लाल। खेसारी लाल जी का। खेसारी लाल जी का कौन गाना आपको अच्छा लगता है? खेसारी लाल का ये निमी निमी जिलिया झुलाए दी। बेवफा गीत खूब गाते हैं ना? अच्छा, तो बेवफा गीत आपको पसंद है? कैमरा में देखिए, आपको बेवफा पसंद है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो खगड़िया जिले के रहने वाले हैं, तो आपका आसपास के पड़ोस वाला सब कोई जानता होगा कि आप गाना गाते हैं? हाँ, जानता है। तो सब आपको गायक गायक बोलता होगा? हाँ, बोलता है। तो कोई चिढ़ाता नहीं है? चिढ़ाता भी है। क्लास में? हाँ। लड़की लोग या लड़का लोग? चिढ़ाता है। अच्छा, तो लड़की लोग जैसे क्लास में तुम जब पढ़ते होगे तो लड़की लोग के साथ लड़का के साथ जो अंतराक्षरी या कंपटीशन होता है वो तो खेलते होगे तुम? हाँ, खेलते हैं। तो सब तुम अच्छा अच्छा गाना गाते होगे? हाँ, जब गाते हैं। तो कैसे अंतराक्षरी होता है तुम्हारा स्कूल में? होता है खुशी से। मतलब जैसे अच्छा से खेलते हैं, मतलब जीतते हैं, कोई हारता है। अच्छा, तो लड़की एक साइड, लड़का एक साइड। हाँ। तो तुम सबसे ज्यादा गाना गाते हो अपना ग्रुप में? हाँ, हम ज्यादा गाते हैं। ज्यादा गाना गाते हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारा थोड़ा सा हकलाते हो क्या बोलने में? हाँ, पहली बार आया हूँ इसलिए। अच्छा, डर से? हाँ। गाना तो तुम अच्छा गा रहे हो, तो डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहे, मतलब कि पहली बार आए हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है इतना। अच्छा, अच्छा, अब आके कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, धुन म्यूजिक स्टूडियो लॉर्ड में आके अच्छा लग रहा है? हाँ, धुन म्यूजिक स्टूडियो लॉर्ड में आके अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा। कैसा लग रहा है आपका गाना का? क्या डर, अब डर खत्म हो गया है फिर? कैसा लग रहा है? खत्म हो गया डर। कैसा लग रहा है अब? आप अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अब लग रहा है कि गाना गा लोगे? हाँ, अगर लग रहा है। बेबफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी, बेबफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी। नींद तुझको आएगी ना, नींद तुझको आएगी ना, नींद तुझको आएगी ना, बेबफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी। जालिम बरस सताएगी इस कदर प्यार की, जालिम बरस सताएगी इस कदर प्यार की, बेबफा तू मेरी बफा को याद करके रोएगी। प्यार करते हो क्या? हाँ? किसी लड़की से प्यार वार करते हो? करते हैं। करते हो तो दिल टूट गया है क्या? दिल टूट गया। अच्छा, दिल टूट गया इसलिए गाना गाते हो? अच्छा, उसी के लिए गाना गा रहे हो? हाँ। तो बहुत प्यार करते हो उस लड़की से? हाँ। तो फिर तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम इतना अच्छा गायक हो, फिर तुमको लड़की छोड़ क्यों दे? क्योंकि बोला गाना गाने के लिए, चलने के लिए। अच्छा, गाना गाने के लिए बोला कि भोजपुरी गायक बनोगे तब प्यार करेंगे। तो भोजपुरी गायक बन जाओगे तब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? क्या बोले कि इंतजार करोगे तो? हाँ, बोल रहा था। अच्छा अच्छा, बोल रहा था, मतलब बहुत प्यार करते हो। हाँ। तो ये गाना गाओगे बेवफा, मतलब बेवफा वाला गीत, अभी कौन सा गाना गाओगे अभी? हाँ, देवी गीत का ना? अभी मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। अच्छा, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। अच्छा, तो चलो, तुम जिससे प्यार करते हो वो सुन रही होगी तो उसको अच्छा लगेगा कि तुम उसके लिए गाना गाने के लिए आए हो। और अच्छी बात है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहती है कि तुम गाना गाओ और आगे बढ़ो, तो ये तुम उसका श्रेय अपने गर्लफ्रेंड को ही देना चाहोगे ना, उसी के बदौलत तुम यहाँ पे आए हो ना। चलो, बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बता के सब रिक्वेस्ट कर लो पब्लिक लोग से। ममकेश दीवाना। और बोल दो पब्लिक लोगों की मेरा गाना देखिए, मेरा नाम बता दो। पब्लिक लोग मेरा गाना देखिए। हाँ, जोड़ के बोलो पब्लिक को। हाँ, जोड़ के मैं आपके सामने विनती करता हूँ कि मेरा गाना देखिएगा भाई लोग एवं बहन। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है शिवराज। ठीक है,
इस बच्चे को सब लोग सपोर्ट करिएगा, बहुत अच्छा गा रहा है और गाने की कोशिश भी कर रहा है और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इस बच्चे को बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद बाबू।